नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वार्यारम नमो वज्जायारम नमो लोये सवसाहुनम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संगष्टि सिद्ध्यर्थम संगष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् तज्जयेत् परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तदेव सकलापत् पदार्थ मालिका यत्र मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमोताय आत्म भई अरहंतात्मा। देखो जिसके पास जो होता है वही वह दे सकता है और उसी से मांगना ठीक है। तो अब क्षमा किससे मांगना? जिसके पास क्षमा हो, जिसके पास क्षमा हो। देखो लोक व्यवहार अलग है, परमार्थ अलग है, परमार्थ का व्यवहार भी अलग है। बच्चों का व्यवहार अलग है, समझदारों का व्यवहार अलग है। क्षमा दोषों की मांगी जाती है। अपने जीवन के दोषों का निरीक्षण करते हुए उनकी आलोचना भी करे, मतलब उनको बुरा भी समझे और उनकी गरहा भी करे गुरुजनों के। क्षमा का प्रयोजन ये है कि हमारी परिणति निर्दोष हो। लौकिक में भी क्षमा मांगने का प्रयोजन क्या है? वैर विरोध का विसर्जन हो जाए, हम निशल्य हो जाए। भैया कर्म के प्रेरित हमारे द्वारा ये वचन निकल गए, आपको कष्ट पहुंचा, भैया क्षमा करना, मतलब ये है क्या? उसका मतलब गांठ मत बांधो, लेकर के मत जाओ, दृष्टि बदलो, बदले की भावना ना रहे। दृष्टि बदलना चाहिए, बदले की भावना नहीं रहे। अच्छा व्यवहार करने के बदले में अच्छा व्यवहार तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रति खोटा व्यवहार करने के वाले के प्रति भी उत्तम व्यवहार करना, ये सज्जनों का लक्षण है, सत ज्ञानियों का लक्षण है। अपने प्रति खोटा व्यवहार करने वालों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करना। अच्छा व्यवहार करने का मतलब क्या है? अच्छा सोचना, उनके लिए मंगल कामना रखना। अपने प्रति जो दुर्व्यवहार हुआ किसी प्रकार का, उपसर्ग समझ लो। अभी ये पढ़ रहे थे क्या? घर से निकारे तन बिगारे, बैर जोन तहां धरे। क्रोध नहीं है, बैर है। क्यों? अरे क्रोध होता है तात्कालिक और बैर होता है भीतर में गांठ बांध ले। अब वो बांध दिया तुम्हें उसे, अब तुम क्रोध करके क्या करोगे? तुम्हारा मुंह जैसे बंद कर दिया, अब तुम क्या करोगे? क्रोध अंतर में गांठ बांध ली, इसे बदला दूंगा, इसे ऐसा करूंगा, मैं भी किसी दिन देखूंगा। जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो बड़े अच्छी तरह से प्रयोग हुए हैं, सूक्ष्मता से ध्यान रखा करो भैया। बैर जो न कहां डरे, मैंने इसे बदला लूंगा, ऐसा भी भाव कभी नहीं।
इसका बुरा हो जाए, ये भी भाव नहीं। उपसर्ग करने के वाले के प्रति भी भैया ये जीव भी ज्ञान प्राप्त करे, धर्म प्राप्त करे, क्यों जो उपसर्ग कर रहा है वह अज्ञान के कारण कर रहा है, कषायों की तीव्रता में कर रहा है। कषायों की मंदता हो तब भी भैया शांति से विचार करना, लोक में भी तुम शांति से विचार तो करना, शांति से विचार करोगे तो तुम्हें जैसा जिनागम में कहा है वैसा ही भाषित होगा। ये संसार का स्वरूप है, जिसको हम बुरा मान रहे हैं अच्छा मान रहे हैं, ये संसार का स्वरूप है। तो हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, क्षमा मांगने का मतलब ये है अपने दोषों का प्रतिक्रमण करना, उत्तम क्षमा। ये क्या हुआ, ये तो शब्द है, काय की क्षमा, ये तो ऐसी बात है। किसी वैद्य डॉक्टर के पास पहुंचे, किसी वैद्य डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब दवाई दो, अरे काय की तकलीफ क्या है ये तो बताओ। अपने दोष को न समझना, अपने दोष का एहसास न करना, और देखा देखी या पर्व के लिए आज उत्तम क्षमा का दिन है, बस क्षमा उत्तम क्षमा क्षमा उत्तम क्षमा। अरे भैया इन शब्दों से क्या होगा, सोचो क्या होगा। अपने दोषों का एहसास करते हुए, शास्त्रीय भाषा में बोले तो अपने दोषों की आलोचना करते हुए, मात्र आलोचना से संतोष नहीं हुआ, भगवंतों के सामने गुरुजनों के सामने, एक श्रावकाचार्य में दूसरा और भी लिखा है, विशेष साधर्मी बड़ा साधर्मी हो उसके सामने, क्योंकि साधर्मी ही साधर्मी का सहायक होता है। तो काय में सहायक होता है, धर्म की वृद्धि में, दोषों को निकालने में। व्यापारी जैसे दूसरी व्यापारी, भैया 50,000 रुपए देने, जरा हम दें परसों हम आपको दे देंगे, हाँ ले जाओ परसों दे, और ये तकलीफ आ गई है भैया, ऐसा ये हो गया, अच्छा तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं अपन, किससे सलाह करोगे, किससे चर्चा करोगे। तो अपने दोषों की आलोचना करते हुए, आलोचना मात्र से कार्य नहीं होता, छोटे छोटे प्रवचन सार जी में एक भेद दिया है, अंतर भेद मने अंतर, काय संबंधी जो दोष हैं वे आलोचना मात्र से दूर हो सकते हैं, परंतु जो अंतरंग छेद है, अंतरंग दोष हैं, उनकी निवृत्ति तो गुरुजनों से गरहा करने पर ही संभव है। जैसे सामान्य रोग कोई ज्यादा खा लिया तो आप अपने आप भी कर लोगे, कल ठीक है शाम को अब नहीं खा रहे, चलो लंघन कर दिया, रात में नींद नहीं लगी, चलो दिन में सो दिया। लेकिन कोई वैसा रोग हो सूक्ष्म भीतर में, तो उस रोग के इलाज के लिए तो भाई वैद्यमेव शरणम है, वैद्य ही शरण है, कुशल वैद्य, योग वैद्य, निर्लोभी वैद्य। ऐसे ही काय संबंधी दोष होते हैं, उनको ज्ञानी अपनी आलोचना के द्वारा ही दूर कर लेता है, परंतु अंतरंग जो दोष हैं
उन दोषों की निवृत्ति के लिए गुरुजनों के पास साक्षी, हे प्रभो हे गुरु प्राश्चित दो का हमसे ये दोष हुआ है, निष्कपट भाव से निवेदन करते हुए वे स्वसंवेदन भाव के अनुकूल जो प्राश्चित देते हैं उसे बोले सोना जन्म क्या कहा था। दंड समझ करके नहीं, औषधि समझ करके थे। ये हमें डांट हो, अरे डांट नहीं हो गया, औषधि है हमारे लिए। लौकिक में तो रोग और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, ऐसे मोक्ष मार्ग में मुक्षु जीव को, आत्मार्थी जीव को छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसे करोगे पांव अपने आप उठने लगेंगे, अपने आप। अरे ऐसे में क्या हो गया, देखो थोड़ी देर बाद क्या होता है, आज नहीं कल क्या होता है। किसी घटना का जो फल आता है वो ये समझो बहुत दिन बाद आ पाता है। बीज आज बोगे वृक्षा कब होगा, और जरा अगर कांटेदार बबूरा भबूरा हुए उन्हें क्या लो कछु नहीं है का होता, फिर भी कांटे झरेंगे, कांटे कांटे झरेंगे। सोनागिर में कहा था ना भैया, अगर हमें दोष होते हुए गलती होते हुए तुरंत दंड मिल जाए तो बहुत पुण्य का उदय समझना। हमारी गलती जय समझो, रोग होते हुए तत्काल दवाई मिल गई, आगे दो रोग नहीं बढ़ पाया, रोग होने पर तत्काल उसका इलाज हो गया हाल की हाल। अब सर्प ने आज काटा और अब सोते रहे पूरे में विष चढ़ गया, तब कहीं अब ले गए डॉक्टर साहब देखो, अब क्या देखें, और तुरंत की तुरंत इलाज हो जाए तो कुछ होने पर तुरंत रिपेयरिंग हो जाए, रिपेयरिंग वहीं की वहीं दर्ज भर दो, वहीं की वहीं कपड़ा उलझ जाए सिल जाए तो वहीं की वहीं सी दो, तुरंत का बहुत महत्व है। क्यों साहब, लौकिक में जब तुरंत का ये महत्व है कि उसका बड़ी सरलता से हो जाता है कार्य, तो फिर दोषों की निवृत्ति भी तुरंत की तुरंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कि उसको बस लंबा मन करते रहे और बाद में भूल गए, खत्म हो गई, जैसे कुछ दोष ही नहीं हुआ। वाह, मैंने लंबा मन करते क्या है क्या है क्या है, कुछ है नहीं, सोचो बस खत्म, लंबा अब बस भूल गए, खत्म हो गए, दोष थोड़ी खत्म हो गया, हमारी पात्रता खत्म हो गई, दोष नहीं खत्म हुआ है, पात्रता खत्म हो गई। तो अपने दोष को निर्दोष की दृष्टि में स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्ध मार्ग की प्रकाश में देखते हुए, यहाँ तो ये लक्षण लिखा है, हम क्या कर रहे, ये तो गलती है हमारी, ये तो दोष है। निर्वाणी के प्रकाश में लौकिक में जैसे ये सब चर्चाएं वहां की थी, लौकिक में जैसे कोई छोटे लोग बड़ों से पूछ करके करते हैं, ऐसे हमें भी हर कार्य जिनवाणी से पूछ करके ही करना चाहिए, गुरुजनों से पूछ करके करना चाहिए। सूचना नहीं पूछना, सूचना नहीं।
उत्तम क्षमा पांचों जी ठीक है, पहले अपन तो क्षमा कर लो, तब तुम क्षमा करो और क्षमा मांगोगे तब तो मांग पाओगे, माल ले तो आ दुकान में तब तो बेच पाओगे कि वैसे ही बेच ले हुए। तुम 50 आइटम लेकर के रखे हैं, उसने कहा भैया 5 पीस हमको देना, आप 5 दो, उन्हें 2 हमको देना कि 2 तुमको दे, उन्हें 4 हमको देना 4 तुम ले आ, या 50 रखे तो ले आ। तीन चौकड़ी कसाय के अभाव वाले जी मुनीश्वर योगीश्वर, एक चौकड़ी कसाय के अभाव वालों को, 2 चौकड़ी कसाय वालों को प्रायश्चित, और 3 चौकड़ी कसाय वाले साधकों को प्रायश्चित दे दे। अब तुम का देवे, तुम पे है का सो देवे, जबरन गुरु बन जाओ, गुरु के अभाव में तो बहुत बड़ा पाप है, ये ध्यान रखना। गुरु के अभाव में जबरन गुरु बन जाना ये बहुत बड़ा अपराध है। अब तो क्या करना, अब बहुत बड़ा अपराध है, छूटा नहीं। सत्पुरुष परोक्ष में भी विनयवान रहते हैं, गुरुजनों की मर्यादा के विरुद्ध, गुरुजनों की आज्ञा के विरुद्ध सोचते भी नहीं है, करने की बात तो बहुत दूर है। एक स्वच्छंद की चर्चा चलाई थी वहां हमने, स्वच्छंद आप उसको कहते हो चाहे कहीं खड़ा होकर के खाए पी ले, चाहे कुछ पहने, चाहे कुछ बोले। अरे भाई, जब चाहे कुछ खाने वाला स्वच्छंद है तो चाहे कुछ विचारने वाला भी तो स्वच्छंद है। मन में आई तो विचार करे, उल्टे सीधे विचारन में पड़े, उल्टे सीधे विचारों में पड़े, ये स्वच्छंदता है तुम्हारी। जिनागम के अनुसार विचार करना सीखो, दत्त विचार जिसको कहते हैं, विपरीत विचार मत करो। अगर हम देव के विरुद्ध विचार करते हैं, गुरु के विरुद्ध विचार करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध विचार करते हैं, तो ये भी हमारी स्वच्छंदता ही है। अब मनमानी करना ये स्वच्छंदता है, मनमानी करना, चाहे चुपचाप कर लिया हो, चुपचाप फोन लगा कर फोन उन पे बातें कर रहे तो वो भी स्वच्छंदता है। चुपचाप फोनों पर बात कर कछु नहीं, एक फोन आया था, अरे किसका आया क्या नहीं हुआ, कितनी देर हुआ, कितने प्रयोजन है। ये बड़ी बीमारी चल गई है, आपको ये लगता है बेस्वच्छंद है पीछे बारे। हम ये कह रहे हैं मनमानी आप करते हैं, मनमाना सोचते हैं, तो आप स्वच्छंद हैं। स्वच्छंद माने मनमाने तरीके से सोचना, और मनमानी वचन बोलना, मनमानी क्रियाएं करना। जब क्रियाओं पर आ जाता है तब वो बैरात्मा भी समझ जाता है ये स्वच्छंद है, और अंतरात्मा अंतर से समझता है मनमानी सोचा ये भी तो स्वच्छंदता है। एक बात कही थी भैया हमने, अपने को अलग क्यों कर लेते हो उपदेश देते समय, अपने से जोड़ करके उपदेश करो, जोड़ करके, अपने से जोड़ करके उपदेश करो। नहीं नहीं, हम अपने कह रहे सब लोग, अपन लोग, अपन लोग, लोग अपन बहुवचन थोड़े ही हैं, अपन लोग माने कहता है अपन लोग और मानता है जे लोग, अपन को अलग कर देता है। ये अनंतानुवंदी माया है, ये नहीं समझना कि अपने दोष को नहीं देखना, दूसरों को दोष देखना, ये अनंतानुवंदी माया के चक्कर में है।
स्वयं विचार करके देख तेरी परिणति किधर जा रही है। ऊपर ऊपर से देह से भिन्न करते रहना, अंतर में देह में एकत्व बुद्धि रहना, ये अनंतानुमंदी माया है, मिथ्यात के साथ में है। तो क्षमा का मतलब क्या हुआ? अपने दोष का एहसास करते हुए। दोष का एहसास कब होगा? बड़ी लकीर के सामने लगेगी छोटी लकीर है। जब अपने बड़े लोगों को देखेंगे तब लगेगा हम कछु नहीं है। जब तक छोटे लोगों को देखेंगे तो आप इनकी ओर देखेंगे तो आपको अभिमान आएगा निश्चित 100%। आप इनकी ओर देखो, उनकी ओर देखो, मुनिराजों पर भी देखो, प्रभु के ज्ञान इन भगवंतों को देखो, उन मुनीश्वरों को देखो, उन ज्ञानियों को देखो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मन में आ गई है। तो निर्दोष मार्ग को अंतर में समझते हुए, अथवा और परिभाषा करो, निर्दोष दृष्टि पूर्वक अपने सूक्ष्म दोषों का भी स्वीकार कर लेना बड़े सरल भाव से अंतर में। ये तो बहुत बुरा है, निंदा है, अच्छी बात नहीं है, ये मार्ग को बिगाड़ने वाली परंपरा है। मार्ग को बिगाड़ने वाली परंपरा क्यों भाई? किसी विद्यालय में ऐसा होता है रोज इनाम ही बढ़ते रहे, रोज इनाम ही बढ़ते रहेंगे तो पढ़ाई का वो है। अरे इनाम तो कभी कभार हो गए, बाद बाकी रोज की पढ़ाई है। दुल्हन ही दहेज है, जल ही जीवन है, ये लौकिक वाक्य हैं। इसी प्रकार समझ लो ज्ञान ही इनाम है, ज्ञान ही इनाम है। कहे आज का बटो तो का इनाम हो, ये परिभाषाएं बताई गई। वो तो एक प्रोत्साहन के लिए, बाल बच्चों के लिए एक व्यवस्था है। भाजपा की लोभ से कार्य थोड़े होते, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कार्य नहीं होते भैया, रुचि से कार्य होते हैं। रुचि जगना चाहिए। तो निर्दोष दृष्टि पूर्वक अपने सूक्ष्म दोष का भी, सूक्ष्म दोष का चरणान योग की भाषा में अर्थ बोलो है, चरणान योग की शैली में सूक्ष्म दोष का अर्थ बोलो, मन के दोष का और स्वप्न के दोष का भी, ये सूक्ष्म दोष है। और जगते में और मुंह से कह रहे वो स्थूल दोष है। कैसे बोलते हो, क्या करते हो? ये मोटा दोष है, सामने दिखाई दे रहा है। और मन कर में तुम्हारी क्या, ये सामने तो नहीं दिखाई दे रहा। और स्वप्न में तुमने क्या किया, वो सामने तो दिखाई दिया। निद्रा वशन कराए स्वप्ने में दोष लगाए, फिर जाग विषय बंधायो नाना विधि विस्फल खायो। सूक्ष्म दोष समझ में आया क्या? निद्रा के दोष और स्वप्न के दोष, और तीसरा और बोलो, एकांत में लगे हुए दोष। कोई देखने वाला नहीं था, एकांत में थे अपन, अकेले में कमरे में बैठे थे। अब काउ ने देखी नहीं, सबको मालूम है ये सामाज कर रहे भैया, और तुम अकेले बैठे थे, केवार लगा लिए थे, बंदर बंदर ना आ जाए इसलिए, अच्छी थे, कोई बात नहीं। एक दोष हो गया, ये थोड़े ही कोई देखे तभी,
एकांत के दोष, निद्रा में भी लगने वाले दोष, स्वप्न में भी होने वाले दोष, मनस वचस काय जागृति स्वप्न मात्र है। और सूक्ष्म और बोलो, नहीं भूल पाते हो, नहीं भूल पाते हो, क्या करें, सोच नहीं पाते, भूल कहां से पाओगे, मगन हो रहे हो, जुंग में मगन रहे, गाय दूध पियो है, शिखरनी खा करके जी लगता है, जुंग में मगन, वो रबड़ी अच्छी है, अनुमोदना संबंधी दोष हम कौन कर रहे हैं, अरे अनुमोदना कर रहे कि नहीं कर रहे, अनुमोदना संबंधी दोष, बड़ी ईमानदारी से यहां कौन से बेईमानी करोगे, यहां कौन सी बेईमानी करोगे, यहां किसको ठगोगे, अपने कोई ठगोगे, पंडित टोटोमल जी ने ये वाक्य लिखा है, बोला भी था वहां में, जो अपनी आत्मा को नहीं ठगना चाहते, संसार समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे इस मिथ्यात को राग में पूर्ति, राग की पूर्ति, कसाय की पूर्ति में सुख मान करके रागी देव, रागी रोग, उनकी उपासना आज हमारी इन भला करेगी, बुरा होने से बचाएगी, अनिष्ट को दूर करेगी, इससे इस मान्यता, इस मिथ्यात को बड़ा पाप जानकर पहले छोड़ो, लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ? तो सूक्ष्म दोष माने समझ में आया, मन संबंधी दोष है, और क्या नाम, एकांत में होने वाले दोष, निद्रा में होने वाले दोष, और स्वप्न में भी होने आने वाले दोष, यानी तुम्हारे बारे में हम का विचार करते रहे सब लेटे लेटे अकेले, ये भी दोष है, ठीक है ना। और अनुमोदना से होने वाले दोषों को भी सहज भाव से स्वीकार करते हुए, उनकी अंतरंग में निंदा गर्हा करते हुए, उसको पीड़ा का कारण समझते हुए भी, ये पीड़ा जैसे रोग को पीड़ा का कारण समझते, पीड़ा का कारण समझते हुए उस दोष के लिए प्रायश्चित की याचना करना, ये क्षमा मांगना है, का मांगोगे और क्या दोगे, तुम क्या क्षमा मांगोगे और क्या दोगे, विचार करो, एक बेचारा पाप के उदय वाला जी है, क्या खाए और क्या दे, क्या तो खाए रे और क्या दे रे, बेचारे खुद खाने का ठिकाना नहीं, अब दूसरे को का दे, वो खुद का खाए, तीन दिन से जिस माँ को भोजन नहीं मिला, वो माँ क्या बच्चे को दूध पिला, अब बच्चा को दूध पिला कहां से पिवा, कहा करे वो चारी, उसने बच्चे को आंचल से लगा तो लिया बात चल से, लेकिन अब करेगा वो दूध पिलाना है तो दूध पीना सीखो, हंसने की बातें नहीं है, क्षमा करना भी सीखो और क्षमा मांगना भी सीखो, फिर लोक व्यवहार अलग है, वो भी होता है ज्ञानी का, ऐसा ना कि किस अपन इस राह की भूमिका में, कसाय की भूमिका में बैठे जीव हैं, कसाय के प्रेरे जीवों के दोष होने का आश्चर्य, कभी हमें तुम्हारे प्रति मन में खोटा भाव आ गया, कभी उस भाई को आ गया था ना, भाई को
अब जायु देने पड़े वो आधो हिस्सा, इसको मार दें तो ये पूरी मणि हमारी हो जाएगी। आया था मन में, थोड़ी देर सोचा रहा जी, कहा भाई के पति हमारा ऐसा भाव हो रहा है, भैया ये तुम रखो। अब वो सोच रहा अच्छी दे रही है, वो भी सोच रहा अगर नहीं दे गया तो हमका कर लेंगे, अच्छी दे रही है। और उसके भी मन में भी आ गया इसको मार दे, मन ही मन में सब चल रहा था कि नहीं बोलो। आप क्या समझते हो आलोचना पाठ में कितना शब्द लिखा है, एक पाप, बोलो कितने। अब आप सोचो तुम वैसे ही ऐंठ रहे हो, दूसरे पर करुणा दया कर रहे हो, पहले अपने गुरु की तुम तो वंदना कर ले, तब वंदना करवाइयो। अपनी वंदना का ठिकाना नहीं, वंदना करवा सब बैठ गए ले, वंदना करो। इत्यादिक पाप अनंता, अरे अनंत। अब अनंत कितने होंगे, एक दो चार पांच सौ दो से पांच है, अरे अनंत संख्यात असंख्यात अनंत। हम कीने हो गए हो, कोई गलती होगी तो क्षमा करो। कीने श्री भगवंता संतत चिर काल उपाई, वाणी ते कहीं न जाई। अगर नहीं किए तो ताको जो, अब उदय काय का आगे जी बता, अगर नहीं किए हैं तो उदय काय का आ गया। और तुम कहे अगर हो गए हो तो, अगर हो गए हो, अगर कोई गलती हो गई हो, क्यों अभिमान की पहाड़ पर चढ़ी हो, उत्तम क्षमा। अरे काय की क्षमा पहले से ये तो बताओ, दवाई दे के काय की दे, पेट के दर्द की देवे कि आंख के दर्द की देवे कि सिर के दर्द की देवे कि कमर के दर्द की देवे, का दे काय की दवाई दे कि दे दे चाय खाओगी दे। आप तो शिव जानते हो, अरे हम शिव जानते तो हैं, लेकिन भैया है तो कहवे में शर्म क्यों लग रही है बता रहे। ये मन का साथ तेरे आड़े क्यों आ रही है, तुझे कहने में शर्म क्यों लग रही है, करने में शर्म नहीं है, कहने में शर्म आती है। उसका नाम क्षमा भाव है। और जब निकटवर्ती रहते हैं तो परस्पर में आसाधना होती है, परमात्मा से अवहेलना हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उनके प्रति लौकिक व्यवहार में फिर क्षमा भाव, भैया क्षमा क्षमा सब ही सो कह के मन की शल्य नहीं निशल हो जाए, निशल्यो वृति। अगर निशल नहीं हो पाएगा, निशल माने मिथ्यात से रहित, मायाचार से रहित और निदान से रहित, भैया धर्म सूक्ष्म है, धर्म सूक्ष्म है, उपयोग को सूक्ष्म करो। धर्म आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का एक और अर्थ होता है, आत्मा माने अपन, आत्मने पदी होता है ना, होता है ना, आत्मा माने मैं, आत्मा माने ये सब नहीं, ये सब गए।
आत्मा को समझना माने अपना स्वरूप समझना, अपना हित समझना, अपना हित अहित समझना, हित के कारण समझना, अहित के कारण समझना, ये सारी समझ का नाम आत्मा को समझना है। तत्वार्थ सिद्धांत पूर्वक आत्म सिद्धांत होता है, तत्वार्थ सिद्धांत बिना आत्म सिद्धांत नहीं होता। आत्म सिद्धांत में सात तत्वों का सिद्धांत अंतर्गर्भित है। सात तत्वों के सिद्धांत में देवसास गुरु का सिद्धांत अंतर्गर्भित है। पर पवित्रता की ओर ले जाए, पवित्र पर माने पवित्रता की ओर ले जाए, अर्थात निवृत्ति की ओर ले जाए, निर्विकल्पता की ओर ले जाए। आपको मालूम होना चाहिए जो सचित त्यागी नहीं है, सचित पूजा करने वाला भी है, तो भी उसके लिए प्रसोदोपवास के दिन अचित पूजा का विधान लिखा है प्रासुकाय द्रव्य। सचित त्यागी है वो तो रोज अचित ही करेगा, सचित नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा वो। लेकिन जो सचित पूजा करने वाला है वह भी पर्व के दिन अचित ही प्रासुक ही पूजा करेगा। पर्व के दिन रोज धोर धमार करने वाले को भी 10 दिन तो शांति से पूजा करना चाहिए, ये कह रहे हूं। पर्व के दिन है नहीं, सो पर्व के दिन और गरिष्ठ बनाए बनाए खाओ। अपने क्षेत्र में तो कम रिवाज है, उधर जाओ पर वे ऐसे ढेर लगाएंगे जैसे जैसे लड़की की विवाह शादी हो रही हो। अरे पर्व के दिन में तो भैया सादा भोजन करो, सादा भोजन कराओ और खूब स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो, माला फेरो, इससे प्रमाद ना आए, टाइम बर्बाद ना हो। लगता ही नहीं है जो कछु भोजन है भैया, भी आते चौका भी चौका देखने, पानी जी चौका देखने, चौका देखने, ये जम कछु नहीं है, जम कछु नहीं है, मानी जी जम कछु नहीं है। अरे पर्व मना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम? शांति से पूजा करो, शांति से भक्ति करो। अब की पर्वों में यही तो विशेषता अपन ने देखी, माने कितना ढोल ढमका कम हो गया, कितनी शांति। ऊपर कमरे पर पूजा की आवाज आ रही तो सब स्पष्ट समझ में आ रहा है। भक्ति वहां हो रही, पाठ वहां हो रहे, आलोचना वहां हो रही, सब पाठ हो रहे, और बिल्कुल बाहर कोई हल्का सा जहां बजना पड़ा बस इतनी बजी, हल्का सा उसने बजा दिया। जब भक्ति बोली तब, जब कोई भक्ति बोली तब बज गया हल्का सा, बाद बाकी अपने चल रहे आ रहा। तब तो उसका अर्थ समझ पाओगे, तब तो उसके भाव पर दृष्टि जाएगी, और नहीं तो क्या होगा। विषयाशक्त जीव का चित्त निरंतर मलिन होता है। विषय कसा सामूहिक शब्द लिखा, बस इतना ही कह पाएंगे। विषयाशक्त विषय कसाय दोनों शब्द लिखे हैं, क्या है कसाय से विषय और विषयों के लक्ष्य से कसाय, फिर कसाय बढ़ती है। ए कैसे बोल रहे तुम, ये कैसा बजा रहा है, ये क्या कर रहा है, चल चल तुम खड़े हो जा, तुम खड़े हो जा, तुम कर ले, तुम कर ले, तुम कर ले, और
वहीं नछावर करने लगे, वही ढोल बजाना, और उसने भी जोर से बजाना सर, वो आज के आनंद की। अरे भगवान, वहां में लिखो का ऐसे तो पतो ही नहीं पड़ो। साहब बहुत भीड़ हुई। अरे भीड़ भीड़ मत करो, सब भीड़ और समाज में अंतर है। समाज माने सभ्य और सुशिक्षित लोगों का समूह है, अनुशासित सभा में सभापति है, अनुशासन है, और भीड़ में का है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर नजर रखो, क्वालिटी पर नजर रखो। हम कह रहे एक अलवर का साधर्मी मिला, वयोवृद्धि थे, बोले हम हो आया मैं, देखो प्रवचन तो हम कैसेट से भी सुन देते हैं, प्रवचन की बात नहीं कर रहे, वहां इतनी इतनी लाइटें जल रही देखी, 10 दफे हम चर्चा करते हैं, 10 दफे लोगों को पूछते हैं कि देखो अमायन में जहां जाकर वहां इस तरह से छानते पानी, इस तरह से काम करते, इस तरह से ये करते, ये हमारी दौलत है। अब जय दौलत को तुम लुटा दे तो क्या करोगे, ये तो सभी जगह हो रहा हूं। जब दौलत को लुटा दिया तो तुम ही लुट गए। उस ईमानदार अधिकारी के सामने 1 करोड़ की थैली अलग धरी, बोले कुछ नहीं, आपको रोकना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, केवल इतने दिनों के लिए छुट्टी दे करके चले जाना, ये इतने दिन परीक्षा है, वो नहीं बस। क्यों भाई, इतने दिन परीक्षाएं होने, उतने दिन के लिए केवल छुट्टी लेके आप चले जाओ, आप हट जाओ यहां से बस, आपको ये कुछ करना नहीं है, पकड़ना धकड़ना बंद करना ये कुछ नहीं करना, आपको आज छुट्टी लेकर चले जाओ, ये 1 करोड़ संभालो। बोले ले जाओ, हटो यहां से, घुसे कैसे यहां अभी तक, ये तो हमारी दौलत है। उसने एक फोन आया, भैया वो 10 लाख रुपए देना है। कौन है क्या है, वो नाम नहीं बताना चाह, तो फिर कैसे आएंगे, कि बस वो थैला हम ले आएंगे तो आपको दे देंगे, तो रसीद कैसे कटेंगी, गुप्तदान में काट देना। अरे गुप्तदान में ऐसी नहीं कटती, अब 2000 के आगे तो रसीद नहीं बन रही। बोलिए तो ए कर रहे हो तुम, जैसे बिना पढ़े हो। अरे हमको नहीं चाहिए, जब चर्चा करने बैठे 4 आदमी, बोले यही तो हमारी दौलत है, हमको खुशी है, वही वो सामने वाला में बैठा बड़ा अधिकारी, बोले यही तो अपनी दौलत है, नहीं चाहिए हमको। उसने एक फोन आया, बोले आप हो कौन, के कलकत्ता से बोल रहे, कौन हो, मेडिकल की दुकान हमारी, तो हम आपको आपके यहां चलता ये चलता ये चलता, कितना और खर्च, कितना फंड, कितना फलाना क्या, और कितना भेज दें। अरे जितो जरूरत तुम्हें है कि हमें, तुम पे जितो हो जितो भेज दे, तो आपको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, बंद खत्म, हटो भग जाना, यही तो हमारी दौलत है। नहीं नहीं वो भगे और पीछे पीछे फिरन लगा, हमारी दौलत है ये। पंडित तीर्थचंद जी ने लिखा, आपने भी पढ़ा होगा 10 लक्षण विधान में, विषय भिकारी धर्म न पावे, ईत राग निज नेम निहार, विषय भिकारी धर्म न पावे। लोभी लालची को, विषयों के भिकारी को धर्म नहीं मिलता। हमें वो शब्द बहुत अच्छा लगा, उस शब्द के यही तो अपनी दौलत है, ये कोई नारेबाजी के नेताजी थोड़े हैं, सादगी हमारा सौंदर्य है, सादगी हमारा गौरव है। अरे समझो गौरव,
इनमें और तुम्हें कछु अंतर तो हो है बैठने में बोलने में सोचने में देखने में समझने में कुछ अंतर तो रहना चाहिए। पद्मनंदी स्वामी कहते हैं भाई तूने तीन लोक का चूड़ामणि वितराग धर्म धारण किया है, जगत के प्राणी जड़ है उनको तुम्हारा काम है। उस दिन हमने शराब का चार में से बताया था सोने में, हमने कहा पढ़ना बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने में आया, बड़ा था क्या है असंयमी ग्रस्तों के साथ जिनका संपर्क ही नहीं हो है। ओ भगवान क्या लिख रही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज क्या पा? और गुरुजनों के साथ अथवा अकेले पर्वत की गुफा में जंगल में नदी के किनारे वहां रहते उपाश्रय में मतलब बात करते हैं, और फिर क्या लिखा असंयमी ग्रस्तों के साथ जिनका संपर्क ही नहीं हुआ है, श्रावकाचार में लिखा है, तुम कहां समझोगे और कहां करोगे? ये पड़े मिल गए गोलक में डाल दे, अरे हमें उठाने का भाव कैसे आ गया क्या उसको चाहे कोई उठा ले जाता शराब ले जाए तुम्हारा बम चाहे कहूं फटे हमें को मतलब नहीं, चोरी करके हम देंगे हल लड़का जाओगे। और बताओ वो मंदिर में लगा दिए हमने कौन अपने पास रखी, तो मंदिर में अपने कमाए के लगाओ अच्छो लगाओ, क्यों हमारे लिए अगर कपड़ा ले आओगे तुम तो सड़ो कपड़ा ले आओगे हैं? तो फिर सारे जब सड़ो कपड़ा और खराब फल नहीं लाओगे खराब भोजन नहीं लाओगे तो फिर खराब पैसा कैसे ले आओगे ये बताओ। हम पुरानी कहावतें पढ़ते थे बाप कमाई आप कमाई, वो एक लड़का था ना सेठ का और वो काम ही नहीं करना चाहे, सो एक दिन नाराज हो गए पिताजी, बोले वो कल से व्यापार कर ध्यान रख कुछ ना कुछ काम कर वो नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा भोजन पानी बंद तेरा। अब वो रोया गिड़गड़ा सो माँ ने दे दिया, माँ ने दे दिया सो बोले पिताजी ने कही पिताजी आज 50 रुपया कमाए तो बेटा कुआ में डाल दिया डाया कुआ में, पिताजी समझ गए थे जैन कमाई नहीं। दूसरे दिन उन्होंने कहा ने कमाए के तो रहा थोड़े दिन, पुलिस पहले डाकुओं को नहीं डाकुओं को शरण देने वालों को पकड़ती है, उन्हें जब मार के रहा तुम चली गई। अब वो दूसरे दिन गड़गड़ाया बहन बहन के हैं जी 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 जी, तो उसने दे दिए क्या नहीं बेटा कोई बात नहीं ये तो व्यापार है 25-50 कमते है कोई बसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कुआ में डाल रहा। अब वो उसने कहा दूसरे दिन का उस लड़की से जा तुम अपने ससुराल जाओ बहुत दिन हो गए यहाँ रहते जाओ फटाफट, ठीक सुबह चली गई। अब न मां रही न बहन रही दीदी रही अब क्या करे, अब चले दिन भर मेहनत तो मजूरी करी बेचारे 5 रुपया बच पाए आए संजय काए आज चेहरा बता रहा था पिताजी आज तो 5 ही बचे, अरे कोई बात नहीं व्यापार होता है व्यापार में काउ दिन 5 नहीं बचेंगे जो कोई बात थोड़ी है जाओ तो हिम्मत मत अब जा कुएं में डाले, बोले वाह हम दिन भर मेहनत करी कुएं में कैसे डाले। न्याय से विवेक से मेहनत से जब कमाई होती है तो उसको खर्च करने में बड़ी ऐसी विवेक लगता है बहुत ऐसी कहां कितना कैसा करे। वीर सागर जी क्या कहते
एक अगर आहार शुद्धि हमारे जीवन में आ जाए तो ये समझ लो सारी विकृति खत्म। आहार शुद्धि जैसा खाए अन्न तो जैसो करने हो मन वैसो खाओ अन्न। नहीं चाहिए हमको माल मसाले, नहीं चाहिए हमको। सादगी हमारे जीवन का गौरव है। हमारे बोले साहब वहां पंखा नहीं है, वहां वो नहीं है। बोले हम अपने साधर्मियों के बीच में बैठ करके 10 चर्चाएं यही दर्द करते रहते हैं। बोले प्रवचन तो कैसे कैसे सुन लिया, वहां कुछ बात नहीं। लेकिन हम जाकर के जो देखा है उसको हम भूलते नहीं है, उसकी प्रेरणा मिलती है हमको। लगता नहीं है कौन क्या देखता है, धर्मात्मा धार्मिक विशेषताएं देखता है और लौकिक जीव लौकिक विशेषताएं देखते हैं। बढ़िया काम, बढ़िया डेकोरेशन, बढ़िया फलाना, बढ़िया वो, बढ़िया खूब, बढ़िया बढ़िया भैया मिथ्या नाम ये है। इसको हम बढ़िया समझते हैं, वो बढ़िया नहीं है, और जो बढ़िया है उसको हम बढ़िया समझ नहीं रहे। समझो हमारी एक मर्यादा है, हमारी एक विशेषता है। हम कह दो चार बुजुर्ग थे हैं, कहीं कोई मिल्जा पूजा करते जाने में बोले ये चमत्कार कैसे हो रहा, समझ में नहीं आ रहा चमत्कार। हमने ये चैतन्य का चमत्कार है। पंडित जी बोले ये चैतन्य का भी है और चैतन्य को बताने वाले का भी चमत्कार है। निष्प्रयी होकर के उपदेश देने की बात है, अपने लक्ष्य से कार्य करने की बात है। क्षमा मांगना किसका नाम हो, एक पर्व है, पवित्रता की ओर ले जाता है, निशल्यता की ओर ले जाता है। जैसे हम पवित्र हो गए, हमारा जीवन पवित्र होता है क्षमा मांगने, हमारा वो दोष निकल जाता है कांटे की तरह, निशल्य हो जाता है हमारा मन। ये संयम को देवता चाहते वो दो तीन दिन भूखे रहने से थोड़ी हो जाएगा है? ये संयम के लिए देवता तरसते हैं, वो संयम की कोई विधि होगी, उस तपस्या की कोई विधि होगी, कोई स्वरूप होगा, कोई उसको गहराई से समझो भैया, गहराई से समझो। ये भगवान पर ढोड़ते हुए चमर क्या कहते हैं, आओ झुको झुको, जो झुकते हैं वो ऊर्ध गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे चमर ढोते ऐसे ही तो ढोते हैं, भगवंतों की ओर जो झुकते हैं वे उन्नति करते हैं, ऊर्ध गति को प्राप्त होते हैं। इन भगवंतों को झुको, इन भगवंतों की वितरागता को समझो, विचार ना भाई। ओम नमः। क्षमा वाणी का अद्भुत स्वरूप सचमुच ऐसा ही जीवन में बनाए प्रकट करेंगे। दूसरा जो प्रसंग मुनिराज वाला बताया था ग्रस्तों की संगति वाला, वो 111 है श्लोक के जस्ट बाद में, दानम भैया वृत्ति वाला जो श्लोक है उसके जस्ट बाद की टीका है। बहुत सुंदर 3 पैराग्राफ है। मैंने पंडित साहब से निवेदन किया था आपकी प्रेरणा के बाद जब उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ अलग आनंद आता है, बाकी तो क्या करें दरिद्र है पढ़कर निकल जाते हैं। तो अपन सब देख करके बैठेंगे कल 111 श्लोक के जस्ट बाद की टीका है। तीसरा निवेदन आप सबसे है, जैसा वातावरण आप अभी बनाए हुए हैं और कोशिश करें उठने के बाद ध्यान दे रहे, अपने साथ वाले कौन नहीं आ पाए आज उनको थोड़ी सी प्रेरणा करके रखना, कल सुबह भी स्वाध्याय में बैठना, शाम को भी ऐसी स्वाध्याय, अपना उत्साह भक्ति बनी रहेगी तो पंडित साहब तो पधारेंगे, बिल्कुल पधारेंगे है ना। और कल अपने बीच में क्षमावाणी के निमित्त से भिंड के भी 40-50 साधर्मी आ रहे हैं सुबह, तो जब वो उतनी दूर से आ रहे हैं तो अपन सबको तो जुड़ना ही है, बिल्कुल ध्यान रखना है। जो नहीं आ पाया उन सबको आपस में प्रेरणा करना है और
चौथी बिंदु हमारे लिए भी जो कहना थी, सादगी ही अपना सौंदर्य जो बार बार कहा जा रहा है, अपन अपने मंदिर की अपने नगर की इस मर्यादा को बना के रखेंगे और इसी संदर्भ में अपनी जलेब अपन कैसी मनाएंगे उसकी मीटिंग परसों रखेंगे अपन, तो कल दिन भर में उसका माहौल बनाएंगे और परसों पूरी चर्चा पर सोचने करेंगे।